मुबारक हो गुच्ची, तुम्हें लड़का हुआ है। वो तो ठीक है मुन्नू, मगर पागल की एक्टिंग करते करते कहीं मैं सचमुच पागल ना हो जाऊं रे। तू हो या ना हो, डैडी जरूर पागल हो जाएंगे। डैड देख देख, मुन्नू कुछ याद आया, ये डैडी है। डैडी, ये डैडी का होता है? डैडी मेरे जैसा होता है बेटे, एक बहुत बड़ा गधा होता है जो अपनी औलाद का बोझ अपने सर पे उठाता है। कुछ याद आया बेटे? नहीं डैडी, बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत थक गया होगा ना बेटी, नीचे आ जाओ, सब याद आ जाएगा। आ जाओ बेटा, ऊपर लेकर आता है बाप, नीचे लेकर जाता है, तो चलो नीचे चलते हैं, हम किधर करते हैं क्या। धीरे धीरे रे, संभाल के संभाल के। कुछ याद आया? नहीं। तो फिर ये तेरी आंखें क्यों फैल गई? बस यूं ही फिर गई डैडी। डैडी, आधी यादाश्त वापिस आ गई ना, आधी मैं वापिस। नहीं 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 डैडी, मरीज को मत मारो। मरीज? अरे मरीज तो मैं तुम दोनों को। आंटी जी, हम लोगों ने जो गलती की उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। हमारे डैडी बहुत गर्म है, आप उन्हें ठंडा कर दीजिए ना प्लीज। क्या इस बार बड़ी मुश्किल से घर में घुसा है आंटी जी, कुछ कीजिए वरना डैडी हमें फिर से घर से निकाल दे। यही सजा है तुम लोगों कि तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। और तुम लोग भूखे प्यासे सड़कों पे ठोकरे खाओ। मैम साहब, इतने गए गुजरे भी नहीं हम लोग, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हैं। तो सुनो बेटा, आज के बाद मेहनत तो मजदूरी करके तुम अपना पेट पालना। ये आप बोल रहे? तुम 2 रुपया मुझे कमा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोग। आप हमें चैलेंज कर रहे हैं? हाँ चैलेंज कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितने निकम्मे और नाकारा तुम लोग, और फिर इतने शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर में जाकर इतनी घटिया हरकत की शर्म नहीं है तुम लोगों को? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, हम लोग उनसे प्यार करते हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डैड? अब अल्फाज नहीं मिल रहे तो जाने दीजिए ना। अच्छा क्या बोला? निकल निकल बाहर। ए डैडी, हम कोई कचरा नहीं है जो आप घड़ी घड़ी उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। अबे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, जो मेरे हुक्म में नहीं चलता वो बाहर जाता है। आपका घर? डैड, आज तक हम इसे अपना घर समझते रहे, मगर आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आंखें आज से हम अपने पैरों पर खड़े रहकर दिखाएंगे। आप हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, तब भी हम वापस नहीं आएंगे। इस बातें पे अटल रहना। मैं तो मजाक कर रहा था। चलो बाहर निकलो। ओके 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 आंटी, बाप और बेटों के बीच दीवार खड़ी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चल बजरंगी। देखा, बंदर समझता है लेकिन आप नहीं। डेरे डेरे रे। किनसे पूछे? हैट वाले साहब सुनिए। क्या वाले साहब, कहिए। हम डॉन जॉन साहब की सेक्रेटरी से मिलना चाहते हैं। मैं हूँ डॉन जॉन का सेक्रेटरी। हम SPNJ केमिकल से आए। जी क्यों आए? डॉन जुआन से मिलना है। क्यों मिलना है? मीटिंग मीटिंग मीटिंग। आपकी अपॉइंटमेंट है? ओ ये ये ये, यू आर एब्सोल्युटली इन टाइम। वो आ रहे योर एक्सेलेंस है। हेल्प हुजूर। कदूस, ये लोग SPNG केमिकल से आए हैं। मिस्टर नाथ किरकुट वाला सूर्य प्रेम खुलपादोस खुलपादोस खुलपादोस, वो कह रहे हैं आप लोग बैठ जाइए। सिट डाउन सिट डाउन। खोल खोल के मार्कोस खुदीस फुसफुस की हिज हाइनेस ये जानना चाहते हैं कि आप लोग 1000 टन से निकॉन बना सकते हैं। योर एक्सलेंसी, ये मेरे फादर इन लॉ है। ठूस माकासी माकासी मनहूस। ठूस ठूस। नो फादर इन लॉ नो मदर इन लॉ, हिज एक्सेलेंसी के सामने सिर्फ उनका लॉ चलता है। किरकुट खोरस पीस। बेटा सूर्या, कोई बात नहीं, अरे इतने करोड़ों का धंधा मिल रहा है, पांव सर पे भी रखेंगे तो चलेगा। चलेगा चलेगा। योर एक्सेलेंसी, एक बात पूछ सकता हूँ, आप 1000 टन सिनोकॉन का करेंगे क्या? खबीस खबीस हल्का दास हल्का दास। सॉरी सॉरी सॉरी, जरा ज्यादा पढ़ा लिखा है, सॉरी। बच्चा
आगे से 1,000 टन एक महीने में सप्लाई करना पड़ेगा। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। फोर कातास 50 करोड़ का फायदा है। 50 करोड़ बोलो मंजूर है। ये क्या करता है? लीजिए 15 लाख रुपए एडवांस। जाओ मामा। कैश पर सर वो एग्रीमेंट। योर एक्सीलेंसी क्या बोलो मैं आपको। निकालिए हाथ निकालिए बाहर दोनों नीचे रखिए जो खून। ये था डॉन जुआन का स्टैंप। क्या के लोग अंगूठा लगाते हैं, हमारे डॉन जो है वो अपना जूता लगाते हैं। क्या बात है, आप गधे। फ्रेम एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। चलो एक मिनट 1,000 टन सिनेकॉन जो है ना वो अगले महीने की 10 तारीख को मिल जाना चाहिए। नहीं तो डॉन जुआन अपना स्टैंप कहाँ लगाएंगे आप जानते हैं ना। चलो बाय बाय। अरे क्या कर रहे हो यार, पुलिस से सुना होगा क्या? राय साहब मैं इनके कहने पर यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। डैडी को बेवकूफ बनाता है। घटिया से घटिया आदमी कभी अपने घर में चोरी नहीं करता क्यों डैडी? राय साहब मैं कसम खा के, राय साहब ग्लव्स पहनने से पहले जरा ये सुन लीजिए। क्या अपने ही घर पे? हमारा बुढ़ो सीधी तरीके से तो हमें पैसा देगा नहीं, और बाप का माल अगर बच्चों के काम नहीं आया तो तिजोरी में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा यार। हाँ, और बाहर चोरी करते हुए पकड़े गए तो हाथों में हथकड़ियां लगेगी, घर में पकड़े गए तो कहेंगे डैडी हम तो मजाक कर रहे थे। मैं पहले ही जानता था कि तुम लोग कभी भी कमीनेपन पर उतर सकते हो, इसलिए अपने बचाव के लिए मैंने पहले ही सिर्फ ढाल बना लिया था। ये आपको कुएं में कूदने के लिए कहेंगे आप कूदेंगे? भागो हम चला। गुन्नू भागने के सारे रास्ते बंद है। भागने चारों तरफ ताले लगाए। मैंने लगाए ताकि इस बार तुम्हें घर से निकालने से पहले तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई कर सकूं। आज तो तुम लोगों ने बदमाशी में शैतान को भी पीछे छोड़ दिया है। वो तो अपने ही घर में चोरी की। सॉरी डैड। कल डाका डलवाओगे? ना ना। परसों मेरा खून करवाओगे? नहीं नहीं डैडी, आखिर आप हमारे बाप हैं, हम आपके बेटे हैं। वो कल तक था, आज से ना मैं तुम्हारा बाप हूँ ना तुम मेरे बेटे हो। डैडी आपको कोई एक रिश्ता रखना पड़ेगा, या बाप वाला या बेटे वाला। क्या बोला? वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वरना हम आपको वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी सपने में भी सोचा। अरे को मार रहा है मेरे बच्चों को। दादी दादी मैं समझाओ। अरे अपने आप को इतना बड़ा बॉक्सर समझता है तो एक एक ग्लव दे दे मेरे पोतों के हाथ में, फिर देख क्या होता है। हाँ ग्लव, और अपनी दादी की ख्वाहिश पूरी कर लो। नहीं नहीं दादी, हम आपसे कैसे लड़ सकते हैं। पीछे के दरवाजे से भाग जाते। कहाँ लेके भाग रहा था गाड़ी?
ये तेरे चाचा की गाड़ी नहीं है, पनाल बंदरों की है। वो तो पीछे के दरवाजे से कूद के भाग गए होंगे। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरे पास कैद में रहोगे। चले लो और चलो आ जाओ अंदर, मैं तो बहुत मारूंगा। चल चल। शाबाश मोंटी बेलडन। कलयुग की इस महाभारत में हम जैसे हर कमीने को अपनी कमीनगी दिखाने का मौका मिल रहा है। चलो चलो चलो, शाबाश 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 प्रभात। वो कागजात 25 लाख रुपए हमारे हवाले कर दो। हमारे पास और मेहमान भी है। प्रभात ऊपर देखो देखो देखो। चलो कागजात निकाल रहा हूँ। चालाकी नहीं होशियारी भी नहीं। अंग्रेजी है क्या? अरे ऐसे नहीं कहते। हाँ तो ठीक है। ओ, चलो। अरे ओ, 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 पकड़ो उसको, ओ बंदर को पकड़ो। अरे वो क्या? अरे वो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे मूड नहीं है। अबे यार कहा ना, मैं थक गया हूँ, मुझे मूड नहीं है। शीश, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? पब्लिक के सामने नंगा पुंगा नहीं होने का बाबू। बस मारा नहीं फिर भी हिल रहा है। ये लो।